जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्ट भुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। तदुपरांत दोनों की संवेद शक्ति ने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों की रचना की। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदा शिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। कौन है सर्वशक्तिमान? आपके स्वरूप मत बतवा दे रहे, इसका रहस्य हमें समझे। हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आगे अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यह ही रूप संसार के लिए पूजने योग्य? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात
कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। अब मैं आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव की आज्ञा को कार्य रूप दूंगा। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवतागण जो अमित शक्ति के धारक थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने सात समुद्रों से घिरी सप्त द्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलतस्य प्रकट किए। ये सातों ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे सात गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्त ऋषियों, अब नव मंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ। जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे। सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भवन है।
तुम श्री हरि विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध होकर संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करते हुए संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शब्द रूपा के नाम से सदा स्मरण है। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परम देव की। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपकी इच्छा से हम ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए, सारी सृष्टि समष्टि प्रकट हुई। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान कला नृत्य संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपिणी एक देव शक्ति को प्रकट करें, जिसके मानव मात्र ने विद्या बुद्धि तथा कला संस्कृति प्रकट हो। हे सृष्टि के सज्जन कर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला संगीत ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है, मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य रूपा को पूर्ण करना है, अतः
तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति बनोगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो बुद्ध दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदर्श बनने जा रहे हो। जाओ अपना दायित्व पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा परमपिता। रूपा का विवाह संपन्न होते देखा, ऋषिगण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये ही ऋषिगण वीरणी और दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद देने भी उपस्थित थे। सृष्टि की रचना का क्रम गतिमान हुआ तो सृष्टि के रचनाकार सदाशिव लोक कल्याण निमित्त सगुण साकार रूप में अपने गण नंदी श्रृंगी भृंगी सहित अवतरित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद तथा देवगण ने आह्लादित होकर उनका जयनाद किया, उनकी महिमा का गान किया। देवगण सदाशिव के अवतरण से प्रसन्न अवश्य थे, किंतु शक्ति के अवतार के प्रति जिज्ञासु भी थे। ब्रह्मा विष्णु और नारद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए सदाशिव ने स्पष्ट किया कि शक्ति अजन्मा नहीं होगी, उसका जन्म लौकिक होगा, वो सगुण रूप में प्रकट होगी। दक्ष प्रजापति शक्ति अवतार के पिता एवं वीरणी माता होंगी, ये जानकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं। कारण कि महान सिद्धि और सफलता के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष के लिए तप करना अनिवार्य था। भावी रचना को आकार देने के लिए ब्रह्मा जी ने एक और रति और कामदेव का विवाह कर देने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रेरित किया, तो दूसरी ओर शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के निमित्त उन्हें तप की ओर प्रवृत्त होने का आदेश भी दिया। पिता का आदेश मानकर प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी वीरणी सहित शक्ति की साधना में संलग्न हो गए। तपस्या फलित हुई और शक्ति ने प्रकट होकर उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया। साथ ही सावधान भी कर दिया कि उनके जन्म के पश्चात उन्हें शक्ति रूप में नहीं पुत्री रूप में स्वीकार कर उसी के अनुसार आचरण करें। अपने वचन और वरदान के अनुसार शक्ति ने सती के रूप में वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। इस तेजस्वी कन्या के जन्म से संपूर्ण राजभवन में हर्ष और प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा। त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करने वाले नारद नारायण का नाद करते हुए शक्ति स्वरूपा कन्या के दर्शन का लाभ लेने दक्ष के भवन में आ पहुंचे। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है, मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं।
अश्वनी, ये सती कहाँ है, तूने देखा है? नहीं तो, पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो। कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी, पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, अब तो पिता श्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती क्या हुआ, कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं सती। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूं प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्व व्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय, कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है, कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है, सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी, किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा।
सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की, वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिव जी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं, तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास। मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी। महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिव जी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे, उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी, दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हितहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती,
पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। नमः शिवाय। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो, छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम। पिता दक्ष के क्रोध और चेतावनी का सती पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ और वो पुनः शिव स्मरण में निमग्न हो गई। नदी तट पर सती शिव की भक्ति में लीन थी और इंद्रलोक में देवराज इंद्र, पत्नी शची तथा अन्य देवगणों के साथ नृत्य संगीत व मनोविनोद में निमग्न थे। छन छन
देवर्षि नारायण 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 देवर्षि नारद। देखो कामदेव, तुम जाओ, वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए, ये तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र, मुझे अकिंचन से आपको कैसा भय। नारायण नारायण, कामदेव सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण, किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ। हाँ। किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। हाँ? और आप। नारायण नारायण, कामदेव ऐसा नहीं हो सकता, मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार, ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवऋषि? तुम्हारा तर्क उचित है, तो फिर पहला पुष्प बाण यहां स्वर्ग लोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण, जहां पहले से ही गीत संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां यह पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जय जीवन से विरक्त और साधु मनाह व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर? और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो, कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या, ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवऋषि। और हाँ, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः
संध्या देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ, हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्य में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, संध्या, ब्रह्मदेव सृष्टि रचना के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पवन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि सौ भी प्रयास करें तो डिगा नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष, जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्य संभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमत मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है, मैं बहुत लज्जित हूं भगवान, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, मैं कलंकिनी हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते भी मुझे लज्जा आती है। तुम्हें अपने पुष्पाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम और देवी संध्याएं मिली? बाद में जब मैं कामाधक देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही
अपने पिता को ही दूषित करने का दुष्चक्र चलाया? जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताश्री, किंतु ये सत्य है, आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया, और जो भी हुआ हो किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदा शिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल को तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र, नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, इसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है, अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो। मैं पापी हूं, मैं अपराधिनी हूं, मैं पापी हूं, मैं कलंकिनी 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 हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं कलंकिनी हूं। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है, अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज आज मैं इस जीवन का अंत ही किए देती हूँ। ठहरो देवी संध्या, इस तरह स्वयं को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हो, तुम अपनी भूल का प्रायश्चित भी वैसे ही करोगी जैसे ब्रह्मा जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, प्रणाम देव। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, मेरे आश्रम में पदार्पण करके आपने मुझे कृतार्थ किया, आसन ग्रहण करके जलपान करे देव। हम तुम्हारे पास चिंता युक्त आए हैं, हमारे ही मानस पुत्र कामदेव से आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने महर्षिणी संध्या को अपने पुष्पाण से कामाविष्ट कर दिया, जिससे आश्रम का वातावरण दूषित होने लगा। तब देवादिदेव श्री शिव शंकर ने एक ऋषि के आह्वान पर देवी संध्या को बहुत प्रताड़ित किया। पाप बोध से लज्जित संध्या अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी, किंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि देह त्यागने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है सृजनहार कि देवी संध्या ने ही भूल जानबूझकर नहीं की। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप देवी का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मात्र एक उपाय है, वो है
देवाधिदेव श्री शिव शंकर के क्रोध को अपनी तपस्या से शांत करना। तुम्हारे पास हम इस कारण से आए हैं कि तुम देवी संध्या के पास जाओ, शिव महिमा और शिव तपस्या की विधि से उन्हें अवगत कराओ। जो आज्ञा परमदेव। किंतु संध्या इस समय होगी कहां? संध्या अपने आश्रम के पास वाले वन में एक पर्वत पर बैठकर अश्रु बहा रही होगी। नमः शिवाय।